हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू टेक रॉयट्स न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोट 20 अल्ट्रा और नोट 10 प्लस के बारे में। ये एक शॉर्ट डिस्कशन होने वाला है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं वीडियो। दोनों ही फोन्स साइज और स्क्रीन के मामले में बड़े हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें नोट 10 से तो नोट 20 अल्ट्रा की जो स्क्रीन है वो 6.9 इंचेस है, जो कि उससे बड़ी है। और अगर हम बात करें ब्राइटनेस की तो नोट 10 से के कंपेरिजन में नोट 20 अल्ट्रा की ब्राइटनेस 25% ज्यादा है। और अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है नोट 20 अल्ट्रा में, जो कि एक एडवांटेज है। लेकिन इस एडवांटेज को लेने के लिए हमें फोन को 1080p पर रन करना पड़ेगा। अगर हम बात करें बैक साइड की तो नोट 10 के कलर्स तो आप देख ही चुके हैं, और अगर हम बात करें नोट 20 अल्ट्रा की तो वो ब्राउन कलर में अवेलेबल है, जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। और इसकी इसके पीछे मैट फिनिश ग्लास है, जिसका एडवांटेज ये है कि ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह हाइड करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है, जिससे कि आपका बैक साइड जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब जब बैक की बात हो रही है तो हम कैमरा को कैसे भूल सकते हैं, तो नोट 20 अल्ट्रा का कैमरा हमें पता ही है कि नोट 10 से नोट 10 प्लस से बेस्ट है, जो कि 108 मेगापिक्सल कैमरा है। और इसमें हमें एडवांटेज ये है कि हमें इसमें 8K की रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं, जो कि नोट 10 प्लस में ओनली 4K रिकॉर्डिंग थी। 8K और मोर मेगापिक्सल्स, ये काफी ज्यादा एडवांटेज वाला पॉइंट है। नोट 20 अल्ट्रा जो कि 50x तक जूम कर सकता है, और अगर हम इसमें एक और एडवांटेजेस की बात करें तो वो ये है कि इसकी लार्जर वाइड स्क्रीन सेंसर्स हैं। और एज कम्पेयर टू नोट 10 प्लस, ये दोनों पॉइंट्स काफी ज्यादा एडवांटेज वाले पॉइंट्स हैं। अगर हम अदर की बेनिफिट्स की बात करें तो नोट 20 अल्ट्रा में 5G टेक्नोलॉजी है, और क्वालकॉम का 865 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इसमें है, जो कि काफी ज्यादा एडवांस प्रोसेसर है 5G टेक्नोलॉजी के लिए। एक की डिफरेंस दोनों में जो देखने को मिलेगा वो ये है कि सैमसंग ने पावर बटन और वॉल्यूम बटन को राइट साइड में शिफ्ट किया है 20 अल्ट्रा में, और स्पीकर एंड एस पेन को दोनों को लेफ्ट में शिफ्ट किया है। अगर हम दोनों की स्क्रीन से स्क्रीन को जोड़े तो दोनों ही एक दूसरे के परफेक्टली मिरर्ड है। तो सैमसंग ने हालांकि कुछ किया नहीं, उन्होंने मिरर किया है S10 के स्पीकर एस पेन की डिजाइन को। तो ये थे कुछ की डिफरेंसेस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। हालांकि अगर आपके पास में नोट 8 और नोट 9 है तो आपको कंसिडर कर लेना चाहिए नोट 20 अल्ट्रा को, और अगर आपके पास में नोट 10 प्लस ऑलरेडी है तो आपको ज्यादा कुछ इसको अभी कंसिडर नहीं करना चाहिए। जब 5G टेक्नोलॉजी आएगी तब की तब देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I'll see you in the next video.